हो गया अलाउ, देखो। ठीक है, सही है। तो अच्छा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 एंड 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय, सही है, कोई चीज नहीं बनेगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? xyz इज इक्वल टू एक्स, क्या वैल्यू है? 9 प्लस 3, वाई की वैल्यू 1 माइनस 2t, और जेड की वैल्यू, या ये क्या बन जाएगा? 9 1 0 1 माइनस 2 1, ठीक है। और अगर आप इस टी को जीरो कर दें, टी को जीरो कर दें, तो इसका मतलब है कि जेड कंपोनेंट आपने आउट आ गया, जेड डायमेंशन आपने उसको लिया, ऐसा ही होगा, क्योंकि ठीक कहां से जनरेट हुआ था जेड से। और अगर आप कांस्टेंट वेक्टर को उड़ा देंगे, जो कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है, फिर क्या होगा? कौन बताएगा क्या होगा? ये कांस्टेंट वाला कॉन्स्टेंट्स को अगर मैं जीरो कर देता हूँ, फाइव इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो क्या मतलब होता है? चलो ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई। ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन आगे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी जब आप पढ़ेंगे ना इक्वेशंस की, तो वहां पे जाके ये अपीयर होती है। यहाँ पे जब आप एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सम टाइम लास्ट लाइन क्या हो जाती है? सारी की सारी जीरो, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी रह जाती है? 2 रह जाती है, सम टाइम एक भी रह जाती है, ठीक है, सम टाइम एक ही इक्वेशन रह जाती है। लेट्स सपोज x इज अ फंक्शन ऑफ y एंड z, तो y को t सपोज कर लेते हैं और z को क्या सपोज कर लेते हैं? s, तो तब भी आपके पास, बल्कि अभी जो अगला टॉपिक कराऊंगा वो उसी से लेंगे। और ये आपको मैथमेटिकली भी और वैसे भी आपको पता लग जाएगा कैसे बात करता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनहोमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस, तो क्या फर्क है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस? होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या है, कौन बताएगा? होमोजीनियस में सेम, क्या डिफरेंस है होमोजीनियस में और नॉन होमोजीनियस? पढ़ा हुआ कहीं लिखा हुआ होमोजीनियस? इक्वेशन ऑफ लाइन से बता दे होमोजीनियस कब होती है और नॉन होमोजीनियस कब होती है। पढ़ा हुआ आप लोगों ने? इक्वेशन इक्वल टू क्या हो? अगर जीरो हो तो क्या बन जाता है वो, ठीक है। तो अभी तक जितनी एग्जांपल्स मैंने की थी वो कौन सी की थी? नॉन होमोजीनियस। अब इसका ग्राफिकली क्या फर्क पड़ता है ये बताओ। x प्लस y इज इक्वल टू 1, x प्लस y इज इक्वल टू 0, कौन सा डायरेक्शन तुम्हें कैसे पता लग गया? वैसे हुआ हमने एक चीज को मैंने जीरो कर दिया तो उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया? मुझे कहीं नेगेटिव साइन लगाओ तो मैं कहता हूँ यार तुम्हारी सेंस बनती है कोई, कहीं ना नेगेटिव साइन भी मैंने नहीं लगाया, मैंने तो ये कहा कि हाँ जी, तो होमोजीनियस हमेशा कहाँ से पास करेगी? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मैंने कहा,
ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, इसका x इंटरसेप्ट क्या आएगा, y को जीरो पुट करो तो x की वैल्यू क्या आती है वन, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा वन एंड y, x को जीरो और y को वन पुट, x को जीरो पुट करो y की वैल्यू क्या आएगा, ये क्या बन जाता है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए x और y सब मिल गया। और अगर आप क्या करेंगे x वन की जगह जीरो रख दे, क्या रख दे, अब इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, y को जीरो पुट करें तो x की वैल्यू क्या आती है, और x को जीरो पुट करें y की वैल्यू जीरो, ये कहां से पास करेगा कोई, ठीक है। फर्क क्या लगा इन दोनों में, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है नहीं सही। तो मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस पढ़ लिया तो होमोजीनियस ऑटोमेटिकली और कर, ठीक। तो चले अ सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन विद एन वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वन वन एक्स वन, ए वन टू एक्स टू एंड सो ऑन, ए वन एन एक्स एन इज इक्वल टू बी वन, ए टू वन एक्स वन, ए टू टू एक्स टू एंड सो ऑन, ए टू एन एक्स एन इज इक्वल टू बी टू, एंड सिमिलरली ए एम वन एक्स वन, am2 x2 and so on, amn xn is equal to b, ठीक है। ये सिस्टम बन गया आपके पास पूरे जनरलाइज, सबसे बड़ी मैट्रिक्स बनेगी, सबसे बड़ी मैट्रिक्स ही बनेगी ना, ठीक है, जिसमें n डायमेंशनल है और n m इक्वेशंस है। स्पेस वेरिएबल कितने हैं इसमें, एन स्पेस वेरिएबल, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं, एन वेरिएबल्स, और ये देखें एक्स वन एक्स टू एक्स, ये एक स्पेस में, ठीक है, और अगर आपके पास एन हो तो n डायमेंशनल स्पेस बने, n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस से आपके पास एक इक्वेशन, लेकिन कितनी स्पेस बन जाएंगी, एक दो तीन चार m स्पेसेस बन जाएगी आपके पास, कितने डायमेंशन में, n डायमेंशन, n डायमेंशन में m स्पेसेस बन, बात समझ आई है मेरी, नहीं सर, ये 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसकी एक ही इक्वेशन लिखता हूं तो क्या बनेगा, ए वन एक्स वन प्लस ए टू, ए वन वन एक्स वन टू, ये थ्री डायमेंशन में पेन स्पेस बन गई, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ये भी 3D है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये दूसरी स्पेस, मतलब जैसे मैंने एक लाइन की बात की, एक लाइन में कितने वेरिएबल थे, दो वेरिएबल x एंड y,
ठीक है। फिर मैंने एक और लाइन की बात की, उसमें वेरिएबल दो ही थे, सिर्फ उनके कोफिशिएंट थे। यहां पे देखें तो वेरिएबल वही है, सिर्फ क्या चीज चेंज हुआ, कोफिशिएंट चेंज। एक ये स्पेस है, ठीक है, एक और नेक्स्ट स्पेस आ जाए, उसके बाद एक और स्पेस आ जाए, ठीक है। जैसे एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरीके से आपके पास स्पेसेस कन्वर्ट होगी, ठीक है, ठीक है। नहीं जैसे एक लाइन है ना, एक लाइन में क्या बात करूंगा, इसमें x वन टाइम ऑफ x1, टू टाइम ऑफ y इक्वल टू, पहली लाइन, उसी लाइन क्या बनेगी, 3x plus 5y is equal to 7, ये दूसरी लाइन, वो लाइन कैसे ड्रा होगी, ऐसे होगी। लेकिन अगर इसको मैं, ये तो मैंने लाइन की बात की, अगर मैं 3d पे चला जाऊं तो ये आपके पास एक पूरी स्पेस जनरेट कर, ठीक है, तो सेट ऑफ स्पेसेस बन गया, ठीक है। ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, अप टू सो ऑन एन, ठीक है, तो एन डायमेंशनल, एन डायमेंशनल, ठीक है, और कितनी रोज बन गई इसकी, एन स्पेसेस बन, ठीक। और इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे आप, ए वन वन, ए वन टू, सो ऑन, ए वन एन, a21, a22, a2n, and so on, am1, am2, am, ये क्या आ जाएगा, x1, x2, so on, xn, ये क्या बन जाएगा आपके पास, b1, b2, so on, bn, इसकी डायमेंशन क्या बनी, m by n, इसकी क्या डायमेंशन बन रही है, n by 1, और ये क्या बन रहा है, m by 1, m rows और 1 column, इसमें क्या है, m by n, इसमें क्या थी, n by 1, इन दोनों को multiply करेंगे तो इसका output क्या आएगी, क्या आनी चाहिए, पहले की rows और दूसरे का column आना चाहिए, यही पढ़ा था ना आपको, पढ़े दो matrices को multiply करते हैं तो पहले की rows और दूसरे के column आने चाहिए, तो क्या बनता है, m by 1, क्या ये भी हमारे m by 1 है या नहीं, दोनों इक्वेट तभी हो सकते हैं अगर दोनों के डायमेंशन से, अदरवाइज वो इक्वेट नहीं हो सकते, ठीक हो गई बात, अच्छा क्लियर हो गई बात, सही है। अब हम इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ये तो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पार्ट किया, ये क्या थी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब क्या होगा कि इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है, इनके सॉल्यूशन से पहले आप ये तीन एग्जांपल सॉल्व करके दिखाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, पहले ही एग्जांपल है, फिर उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। एग्जांपल पहले क्या है आपके पास, x plus y, x minus y, x plus y is equal to 3 और x minus y is equal to 1। दूसरी एग्जांपल क्या है आपके पास, x plus y is equal to 3 और 2x plus 2y is equal to 6, ये दूसरी एग्जांपल है। और तीसरी एग्जांपल क्या है, x plus y is equal to 3 and x plus y is equal to, ये तीनों एग्जांपल्स हैं सॉल्व, जल्दी से दो से तीन मिनट है आपके, दो मिनट में चलिए, दो ओके, तो
अब ठीक हो गया नहीं? अब ठीक है। अब बिल्कुल सही है ना? तुम लोगों को नहीं नजर आ रहा ना? सर वो ट्राइपॉड से हो सकता है।
उसके तो वैसे भी होते हैं, उसका कैमरा इससे भी खराब है। मसला टेबल का नहीं है, मसला डिस्टेंस का है। ये वाला डिस्टेंस का यहाँ पे एक स्टैंड होना, इतना स्टैंड हो बस लेंथ वाइज, और उसके ऊपर कैमरा पड़ा या यूं पंखे से उसके साथ बांध दे और यूं करके लटका दे, है ना। सस्टेनेबिलिटी मिले, वो इंजीनियर्स का पुराना मसला है। आप थोड़ा इधर ऑनलाइन वालों को खुश करें। तो कहां तक हम पहुंचे हैं सर? पहले तो लिखे को लिखते हैं। यस सर, वो तो उसके ऊपर लिखते थे ना। और क्या करते हैं सर? वो काम हो जाता है सर, वो नाम के बजा जाता है प्रोजेक्टर को। उसको चलो अभी इसी पे गुजारा करो, कल नेक्स्ट वीक के लिए इसकी सोचेंगे। तो ये यहाँ पे सही है ना, तो मसला तो नहीं है। तो ये ठीक है, अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमने सिस्टम एक्सपीरियंस को देखा। अच्छा, इसके सॉल्यूशन निकाले आप लोग? यस। इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? वन एंड टू, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू टू, ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन आ रहा है है? इसका क्या सॉल्यूशन आ रहा है भाई? नहीं भाई, x1 बाय 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 x1 हम कैसे जांच करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन? अभी आपने पढ़ी थी y equal to 3 minus x, तो x को डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ तो डिफरेंट सॉल्यूशन आते चले जाए। तो इन दो लाइन x को टच करिए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। और तीसरा क्या है? एक ये है इक्वेशन, एक ये है कभी टेस्ट करेंगे। हाँ जी, एक x plus y equal to 3 के ऊपर है, एक x y equal to 1 के ऊपर है, तो दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस कभी किसी पर इंटरसेक्ट करती नहीं है, और जो ओवरलैप है वो ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब एक ये लाइन है, एक ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं। और तीसरा कौन सा है? सिंपल एक जगह से इंटरसेक्ट करता है। तो कितने टाइप से सॉल्यूशंस आए? या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, या नो सॉल्यूशन आएगा। इस केस में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आए, और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन। ठीक होगी बात? इसका मतलब है सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स होगी फिर? थ्री टाइप्स। कौन कौन सी?
या तो आपके पास क्या आएगा, टाइप ऑफ ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, क्या टाइप है इसकी, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन, ऐसा ही है, ऐसा ही है। yes, इसमें से कौन से सॉल्यूशन है और कौन से सॉल्यूशन नहीं है, क्या यूनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन आर नॉट सॉल्यूशंस ओनली, क्योंकि है तो सॉल्यूशन ही लेकिन बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही लेकिन बहुत ज्यादा, और नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सॉल्यूशन वो तो क्लियर कट से बात है, इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, देखो की बात। अब ये जो सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन है इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब इक्वेशंस, इक्वेशंस की बात अब आ जाती है, ठीक है, इस केस में इक्वेशन जो होती है वो कंसिस्टेंट रहेंगे, क्या रहेंगे इक्वेशंस, कंसिस्टेंट, और इस केस में इक्वेशंस क्या रहेंगी, इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट में नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, और या फिर एक तो ये केस होगा, अदरवाइज क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होंगे, ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस ग्रेटर हो जाएंगी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इक्वेशंस ग्रेटर हो जाएंगी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जब वो इसको एस्टन फॉर्म में कन्वर्ट करने जाओगे ना फिर आपको खुद बखुद समझ आ जाएगी कैसे ये बात, ठीक है, तो ग्राफिकली हम इसको कैसे कहेंगे, ये चीज हमेशा एग्जिस्ट करती है, कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी हमेशा नॉन होमोजीनियस में एग्जिस्ट करती है, इसमें नॉन होमोजीनियस मतलब नॉट इक्वल टू जो जीरो आती है, जिसमें बी आ रहा होता है, बी मैट्रिक्स आ रहा होता है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहां से पास करती है, ये होगी ये होगी ये होगी ये होगी, ये सारी की सारी क्या है, नॉन होमोजीनियस, क्या होमोजीनियस इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो सकती है, उनका सोल्यूशन एक तो लाजमी है, और कुछ हो ना हो एक सोल्यूशन तो उनका लाजमी है, कौन सा है वो, ठीक है, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक होगी बात, ये सारा फिनोमेना किसके लिए था, इनहोमोजेनियस के लिए, सॉरी नॉन होमोजेनियस के लिए, ये सारा फिनोमेना नॉन होमोजेनियस के लिए था, अगर हम होमोजेनियस की बात करें तो उसमें इनकंसिस्टेंसी आती नहीं है, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, क्लियर हो गया, ठीक है, याद रहेगी ये चीज या नहीं, अब जब आप आगे जाके एचएन फॉर्म और रिड्यूस एचएन फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको ये चीज मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं है, अब कल मैं इससे रिलेटेड क्विज बनाऊं या पेपर बनाऊं तो उसमें कहे तो सर हमने देखा ही नहीं है कभी, हमने सुना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, कहाँ गया यहाँ से,
जादू सीखा हुआ तुमने भाई, मोबाइल तो उठा लो कुछ नहीं करने का मैंने। पाकिस्तान में बिजली की चार्ज क्यों होती है, तुम मोबाइल ही चार्ज करते रहते हो। ठीक होगी बात, तो ये चीजें आप लोगों ने याद है। तो इससे रिलेटेड मैं खैर कुछ चीजें मैं बता दूंगा आप लोगों को याद में। इसके बाद आता है सॉल्यूशन, सॉल्व करने का मेथड। पहले तो मैंने सॉल्यूशंस बताए थे, पहले हम लीनियर इक्वेशन पे गए 1D में, 2D में और 3D में। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस देखा, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखी उनकी, और उसके बाद हमने ये देखा कंसिस्टेंट होगा कब, इनकंसिस्टेंट होगा किस केस में, इनहोमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस केस। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स, वैसे तो दो तीन तो आप लोग जानते हैं। नंबर 1 साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन या बाय सब्स्टिट्यूशन या विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस लाइक क्रैमर रूल। पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, उसके भी एक्स वाई और जी आप कैलकुलेट करते हैं। यस ठीक है, वो भी एक मेथड है। क्लियर? यस। तो इन तीनों मेथड से आप लोग, सम टाइम ये होता था कि अगर आपके पास मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सिमिलर आ जाता था तो हम कहते थे इसका आगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो याद हो आपको। कहते थे या नहीं कहते थे? तो वो सिंगुलर क्या था बेसिकली, वो यही था सिंगुलर कि वो इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती थी, वो दोनों इक्वेशन होती ही पैरेलल थी। ठीक है या नहीं? तो उस चीज को हम सिंगुलर कहते थे। ठीक है, दो लाइंस क्या आ जाती थी, पैरेलल आ जाती थी। जब पैरेलल आ जाए तो बेसिकली इनकंसिस्टेंट बन जाते, इनकंसिस्टेंट केस में सॉल्यूशन ही नहीं आया। ठीक है, इन अदर वर्ड डिटरमिनेंट्स में अगर दो लाइंस या दो कॉलम या दो रोज पैरेलल हो जाए या सेम हो जाए तो हम क्या कहते हैं, तब डिटरमिनेंट इक्वल नहीं हो जाता। ये वहीं से ये सारा कंसेप्ट बना। ठीक है, इतना कर लें।